भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेले जा रहे तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। आपको बता दें कि राहुल त्रिपाठी लंबे समय से ही टीम इंडिया में आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी लंबे समय तक उन्हें मौका नहीं दिया गया। लेकिन अब राहुल त्रिपाठी को मिले मौके का बल्लेबाज ने भरपूर फायदा उठाया। आपको बता दें कि राहुल त्रिपाठी ने तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में मात्र 16 गेंदों का सामना करते हुए 35 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान राहुल त्रिपाठी ने 5 चौके तो वहीं 2 छक्के भी लगाए। राहुल त्रिपाठी ने आउट होने से पहले लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए अपनी टीम को बेहतर शुरुआत दिलाई। चमेका करुणा रत्ने की गेंद पर लगातार 2 छक्के मारने के बाद थर्ड मैन की दिशा में कैच थमाकर राहुल त्रिपाठी आउट हो गए। लेकिन जब टीम इंडिया को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो आज बल्लेबाज ने उस तरह की बल्लेबाजी भी की। एक तरफ जहां शुभमन गिल अपना खाता खोलने में भी संघर्ष कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर राहुल त्रिपाठी ने लगातार चौके छक्कों की बरसात की और शुरुआत से ही टीम इंडिया को रन लगा के दिए। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या आने वाले समय में राहुल त्रिपाठी को लगातार इसी तरह से मौके दिए जाएंगे, क्योंकि बल्लेबाज इतने ज़्यादा आक्रामक हैं कि किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को आसानी से ढेर कर सकते हैं, जो आज के इस पारी में देखने को भी मिला। अब देखते हैं कि राहुल त्रिपाठी कितनी बार टीम इंडिया में इस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।